बुधवार को राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें राजस्थान की एक सीट शामिल है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था, लेकिन केरल की अल्पाउजा सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कायदे के मुताबिक सीट खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 21 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो 27 अगस्त तक उसके पास मौका रहेगा। इसके बाद 3 सितंबर 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और फिर शाम 5 बजे नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बताते चले, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। प्रदेश में भाजपा के 115 विधायक हैं, जबकि गठबंधन नेताओं को मिलाकर कांग्रेस विधायकों की संख्या कुल 74 है। इस लिहाज से राज्यसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की ये सीट भाजपा के खाते में जाने की पूरी संभावना है। अगर ये आकलन हकीकत में तब्दील हो जाता है तो इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में बराबर सीट हो जाएंगी। अभी राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास है और 4 बीजेपी के पास। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।